नमस्कार, आदाब दोस्तों। मोहब्बत करने वालों का यही अंजाम होता है, मोहब्बत करने वालों का यही अंजाम होता है, तड़पना उनकी किस्मत में तो सुबह शाम होता है। आप सोच रहे होंगे ये शेर मैंने क्यों पढ़ा। आज जिक्र होगा इस शेर के रचयिता जनाब राजा मेहंदी अली खान साहब का। कनों के साज पर जा गा रही है। जुल्फ के साए में कुछ देर ठहर जरीब नजर मिले तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता। बिन जीवन कैसे बीता पूछो मैं। अकेला हूँ मैं हम सफर ढूंढता हूँ। अरियो शोक कलियो मुस्कुरा मिलती है अगर नजरों से नजर शर्माते हो क्यों। दोस्तों ये वो नाम है जिससे हम वाकिफ हैं, ये गुमनाम नाम नहीं है। ये और बात है कि ये सितारा 1966 में बहुत जल्दी इस दुनिया से चला गया था। और राजा मेहंदी अली खान साहब का जब जिक्र आता है तो मदन मोहन साहब का जिक्र आ ही जाएगा, क्योंकि इन दोनों ने साथ में बहुत काम किए हम जानते हैं। मेरा साया वो कौन थी, नीला आकाश आपकी परछाइयां, अनपढ़, एक से बढ़कर एक गीत और फिल्में हैं इनकी। लेकिन इसके अलावा मदन मोहन साहब की एक अलग शख्सियत है, और भी लोगों के साथ काम किया और राजा मेहंदी अली खान साहब ने भी। पहले कुछ बात राजा मेहंदी अली खान साहब के बारे में कर लें, बहुत सी कुछ गलत फहमियाँ भी हैं। एक तो उनकी पैदाइश लोगों को नहीं मालूम, लोग ये समझते हैं कि वो 38 साल की उम्र में दुनिया से चले गए, जो कि गलत है। सही तारीख तो नहीं मिलती, लेकिन जब हमने पता किया तो 1912 और 15 के बीच में वो पैदा हुए, करमाबाद गुजरनवाला जो पाकिस्तान में है वहाँ पर। जब आप उनकी तस्वीर देखेंगे आखिरी की, तो अंदाज़ा हो जाएगा कि वो 38 साल के नहीं हैं, 50 के ऊपर हैं। तो ये बात तो क्लियर है। एक और चीज़ यह है कि जब वो बहुत छोटे थे तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया, इनायतुल्लाह खान साहब। ऐसा नहीं है, उनके वालिद का इंतकाल 60s में हुआ, जब राजा मेहंदी अली खान साहब अपने 40s में थे। और उनकी माँ हुबिया खाना बहुत बड़ी राइटर रहीं उर्दू की, और उनके भाई भी बड़े मशहूर जर्नलिस्ट हुए, मौलाना जफर अली खान साहब। तो ये कह सकते हैं कि घर में तालीम का माहौल था, अदब का माहौल था, लिटरेचर का माहौल था, जो झलकता है राजा मेहंदी अली खान साहब के काम में। उनके जो गीत हैं इसलिए मयारी हैं क्योंकि वो शायर थे, अदीब थे। अच्छा, लाहौर में भी ये काम कर रहे थे, फूल मैगजीन हो वहाँ काम कर रहे थे, लिखते थे। और जब बॉम्बे आए तो भी यहाँ पर शमा जैसी मैगजीन में इन्होंने लिखा, और भी 20वीं सदी करके मैगजीन थी। लेकिन इसके पहले आपको बताएं कि इनकी दोस्ती मशहूर राइटर मंटो से थी, मंटो को हम जानते हैं, उनके साथ बड़ी गहरी दोस्ती थी, और मंटो ही इन्हें बॉम्बे लेके आए, अगर हम ये कहें तो, ये मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा। उसके पहले राजा मेहंदी अली खान साहब 1942 में दिल्ली आ गए, ऑल इंडिया रेडियो में वहाँ पर राइटर हो गए, उसके बाद फिर बॉम्बे तशरीफ ले आए। मंटो ही ने, जो अशोक कुमार साहब के बड़े गहरे दोस्त थे, उन्होंने राजा मेहंदी अली खान साहब को मिलवा दिया फिर अशोक कुमार साहब से, और फिर वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। अशोक कुमार साहब ने शशधर मुखर्जी साहब से मिलवाया, जो उनके बहनोई थे, और इस तरह से फिर 8 दिन, ये पहली फिल्म रही जिसमें राजा मेहंदी अली खान साहब को काम करने का भी मौका मिला एक्टिंग का। और जिस पहली फिल्म में गीत लिखे दो भाई, वो मिल गई, एस जी बर्मन साहब का संगीत था, और गीता दत्त के, जो गीता रॉय थी उस जमाने में, उनके बड़े मशहूर गीत हुए, जो एक गीत हम जानते ही हैं, मेरा सुंदर सपना टूट गया, और भी गीत। नजर झूमता है प्यार, ये नजर छीन सच कह
कहता हूँ बहुत हसी हो तुमसे मोहब्बत हो। इश्क में बर्बाद है बर्बाद रहेंगे जब आने वाले आते हैं फिर आके चले क्यों जा। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। सिकंदर ने फोरस से की थी लड़ाई जो की थी भूख नजर की बिजलियां दिल पे मेरे। इसके बाद फिर सिलसिला चल पड़ा, फिल्में आ रही थी। शहीद फिल्म ने रही सही कसर पूरी कर दी। जिद्दी शहीद फिल्म के गीत हम जानते ही हैं, वतन की राह पे वतन के नौजवान शहीद हों। 1950 में वो करिश्मा हुआ जिसके लिए राजा मेहंदी अली खान साहब को बॉम्बे भेजा गया था। इसके पहले पार्टीशन हुआ, इनकी फैमिली पाकिस्तान चली गई, लेकिन राजा मेहंदी अली खान अपनी बेगम ताहिरा साहब के साथ यहीं रुके। बड़ी वतन परस्ती कूट कूट के भरी थी उनमें, बहुत ज़्यादा लिबरल इंसान थे, सबके साथ मिलकर रहा करते थे। यही अंदाज उनकी बेगम का भी था, ताहिरा जी का। अब 1950 में राजा मेहंदी अली खान साहब को दोस्त मिल गए मदन मोहन के रूप में। उनकी पहली फिल्म थी आंखें, हम इश्क में बर्बाद हैं बर्बाद रहेंगे, फिर साथ हो गया। फिर कई फिल्में आई, अदा, मदहोश, ये 50s की बात है। और इन दोनों ने साथ में कैसा काम किया ये हम जानते हैं, जोड़ी बन गई थी। हालांकि जोड़ी तो नहीं कहेंगे, क्योंकि तो मदन मोहन साहब ने राजेंद्र कृष्ण जी के साथ भी काम किया, साहिर साहब के साथ भी काम किया गजल फिल्म में और भी फिल्मों में, और राजा मेहंदी अली खान साहब ने अलग संगीतकारों के साथ काम किया, एस जी बर्मन हो, एस एन त्रिपाठी के साथ, हातिम ताई हो, इनाम हो, ओ पी नैयर साहब के साथ कुछ गीत लिखे, एक मुसाफिर एक हसीना में, और भी फिल्में हैं, दो दिलों की दास्तान 1966 में। इसके अलावा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ अनीता फिल्म को कौन भूल सकता है, जाल, अकेला हूं मैं रह गुजर ढूंढता हूं। तो कुल मिला के इन दोनों ने अलग भी काम किया और बहुत अच्छा काम किया, ये हम आपको यहां बता देते हैं। वही तो एक और कौन हो तुम फिल्म भी याद आ रही है 1970 में जो रिलीज हुई थी, जगदीप जी के ऊपर मुकेश जी का एक गीत है। बाद में भी गीत रिलीज होते हैं, हालांकि 66 में चले गए थे राजा मेहंदी अली खान साहब, लेकिन फिर भी जैसे शैलेंद्र साहब भी 66 में गए थे, लेकिन गीत बाद में भी आते रहते हैं, ऐसा सब आर्टिस्टों के साथ होता है। दोस्तों राजा मेहंदी अली खान साहब के बारे में बहुत कम इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, चाहे इंटरनेट हो या कहीं भी, वही कुछ बातें आती हैं, उसमें कुछ बातें सही हैं कुछ गलत भी हैं। जी हाँ, लेकिन उनकी शायरी पर अगर हम कुछ बात करें तो वो इस तरह के शख्स रहे मेहंदी अली खान साहब। राजा नाम था तो झलकता भी था, उनके वालिद तो भागलपुर स्टेट में जब पार्टीशन नहीं हुआ तो बहुत बड़ी पोस्ट पे थे चीफ मिनिस्टर की, तो पैसे की कोई कमी नहीं थी और अदब का माहौल था। लेकिन राजा मेहंदी अली खान साहब की जो शायरी है उसमें सटायर है, ये शेर उन पर बिल्कुल सही उनके बैठते हैं कि वो अंदर से गमजदा थे, लेकिन कभी भी उन्होंने गम को उजागर नहीं किया पब्लिक के सामने। एक तो उनकी औलाद नहीं थी, ये भी बहुत बड़ा गम होता है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों, बच्चों से बहुत मोहब्बत करते थे इसी वजह से दोनों हस्बैंड वाइफ। तो उनकी शायरी में जो उनकी नज़में हैं या गज़लें हैं उसमें ये साफ नज़र आता है कि वो सटायर जो था वो जो कुछ भी सोसाइटी में घटता है जो चीज़ें सही नहीं हैं उस पर वो लिखा करते थे, तंज जो बड़ा खूबसूरत हुआ करता था। और उनके गीत तो अलग ही हैं, अगर आप उनको गीतों को भी देखें, महज मेरा साया, झुमका गिरा रे अलग वेराइटी है, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा टोटल अलग है, लग जा गले ये सब मदन मोहन साहब के साथ है। अनपढ़ फिल्म की जो गज़ल है, आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, आपको हैरानी होगी कि मदन मोहन साहब दूसरा गीत रिकॉर्ड कर रहे थे। इसी बीच राजा मेहंदी अली खान साहब स्टूडियो में आया और कहा कि मदन दोस्ती बहुत गहरी थी, मैंने कुछ लिखा है। तो ये प्रोड्यूसर को पसंद आया आपकी नज़रों ने समझा, कहने लगे ये जो है सिचुएशन पर ज़्यादा सूट कर रहा है। मदन साहब भी काबिल संगीतकार थे, 15 मिनट में धुन तैयार कर दी और फिर ये गीत लता जी की आवाज़ में रिकॉर्ड हुआ। ये दो गीत अनपढ़ के आपकी नजरों ने और है इसी में, जिसके लिए नौशाद साहब ने कहा था कि मदन मोहन मेरा पूरा संगीत ले लो, ये दो गजलें मुझे दे दो, राजा मेहंदी अली खान साहब ने इसको लिखा।
ये एक तरफ ऐसे भी गीत हैं जो बड़े गजलें हैं या बहुत मशहूर हुए और कुछ लाइट भी हैं, जैसे नीला आकाश फिल्म के आप गीत सुने, तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है, उसी में रफी साहब की आवाज में है। आखिरी गीत मोहब्बत का सुना दूं तो चलो, तो हर तरह की वैरायटी थी राजा मेहंदी अली खान साहब के पास, क्योंकि वो अदीब थे, शायर थे, पढ़े लिखे इंसान थे, और जो मदन मोहन साहब या दूसरे संगीतकार उनसे फरमाइश करते थे वो डिलीवर कर दिया करते थे। दोस्तों, यहाँ इस बात का जिक्र करना भी लाजमी है कि फिल्म वो कौन थी का गीत लग जा गले, जो पूरी दुनिया में फिल्मी गीतों में सबसे ज़्यादा सुने जाने वाले गीतों में से एक है, इस गीत को फिल्म के डायरेक्टर राज खोसला साहब ने नकार दिया था। फिर मदन मोहन और राजा मेहंदी अली खान ने प्रोड्यूसर NNCP को सुनाया, मनोज कुमार को सुनाया, फिर मनोज कुमार ने इसे पास कर दिया और काफ़ी लोगों को ये धुन ये गीत पसंद आया। फिर मनोज कुमार के कहने पर राज खोसला को डबल से बुलाया गया और ये गीत सुनाया गया, तो राज खोसला ने कहा, अरे उस दिन मेरा मूड ख़राब था, ये गीत ये धुन तो बहुत ज़्यादा दिलकश है, और इस तरह से ये नगमा फिल्म में शामिल हुआ, जो आज भी एक मिसाल है, या यूं कहें जिसकी मिसाल मिलती नहीं। लग जा गले के फिर ये हंसी आपकी नजरों ने समझा, प्यार के तो हमने दास्तां अपनी सुनाई, झूठा गिरा रे बरेली के बाजार में, झूठा में बदरा आपके पहलू में आकर रो दिए। यही है तमन्ना तेरे दर के सामने, आखिरी गीत मोहब्बत का सुना। तू जहां जहां चलेगा मेरा साथ। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतना उम्दा शायर, इतना बेहतरीन गीतकार, मालिक ने उसे उम्र बहुत कम दी, बहुत कम उम्र दी। 1966 में वो दुनिया से चले गए। इसकी वजह थी कि उन्हें कई बीमारियां थी, एक बीमारी नहीं थी। शुरुआत में उनके दोस्त दो ही थे, श्याम जो एक्टर थे और मंटो तो बाद में पाकिस्तान चले गए। उसके बाद जिंदगी भर का दोस्त मिला उन्हें मदन मोहन के रूप में, काम सबके साथ किया लेकिन मदन मोहन ही उनके एकमात्र खास दोस्तों में शामिल रहे। अक्सर वो मदन जी को घर पर उनके बच्चों के साथ खाने पर भी बुलाया करते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, सारी फिल्में आ रही थी, लेकिन 1966 में उस वक्त, आपको ये बता दें, उस वक्त राजा मेहंदी अली खान साहब ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, जब मेरा साया फिल्म, जिसके गीत हम जानते हैं कितने मशहूर हुए, उसके एक कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रीमियर में मदन मोहन साहब कलकत्ता जा रहे थे। उस वक्त राजा मेहंदी अली खान साहब हॉस्पिटल में थे, हॉस्पिटलाइज थे, तबीयत बहुत ख़राब थी। मदन मोहन ने जाने से इनकार कर दिया कि मैं आपके साथ रहूँगा। तब भी राजा मेहंदी अली खान साहब ने कहा, नहीं आप जाइए, मैं ठीक हूँ, ठीक हो जाऊँगा, आपको मिलूँगा वापस, आप आइए तो सही। मैंने आपसे कहा ना, वो गम को छुपाते थे। मदन मोहन चले गए कलकत्ता, और जब वापस आए बॉम्बे तो उन्हें उनका दोस्त राजा नहीं मिला। अपने दोस्त से मिलने के लिए मदन मोहन साहब को कब्रिस्तान जाना पड़ा, राजा मेहंदी अली खान की कब्र पर। जी हां, उनकी कब्र पर जाना पड़ा, तब मुलाकात हो पाई। और लोग ये बताते हैं कि अपने आखिरी दिनों में जब वो बेड पर थे, बीमार थे राजा मेहंदी अली खान साहब, तो भी लोगों से हंसकर मिलते थे, ये जाहिर नहीं करने देते थे कि मैं कुछ दिनों का मेहमान हूं। मदन मोहन साहब उसके बाद तन्हा हो गए, हालांकि बाद में फिर उन्होंने कैफी साहब के साथ बहुत काम किया, और 1975 में तो वो भी चले गए, वो भी जल्दी चले गए। लेकिन इन दोस्तों की कहानी भी हमने आपसे बयान की, और दूसरों संगीतकार जो रहे उनके साथ भी राजा मेहंदी अली खान साहब ने काम किया, और बहुत खूब काम किया, और वो चले गए इस भरे मेले को छोड़कर।
आखिरी गीत मोहब्बत का सुना लूं तो चलूं। वो आखिरी गीत कौन सा है इसका फैसला दोस्तों आप कीजिए, क्योंकि मैं तो समझता हूं कि उनका हर गीत ही पहला भी है और आखिर भी है। इतने साल हो गए राजा मेहंदी अली खान साहब को इस फानी दुनिया से गए हुए, लेकिन आज भी उनके गीत, उनकी शायरी, उनकी गजलें, उनके नगमे हमारे साथ हैं और आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। बस अफसोस यह है कि उनके बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। कोशिश करते हैं कि कहीं से कुछ और मालूम हो सके, और अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन हो इस महान गीतकार, उम्दा शायर के बारे में, तो हमें आप जरूर कमेंट करके बताइए, हम उस पर भी कोई बेहतरीन से कार्यक्रम बनाने की दोस्तों कोशिश करेंगे। आखिर में बस यही कहूंगा, वैसे तो सारे ही गीत उनके अच्छे हैं, लेकिन मुझे उनका एक गीत बहुत पसंद है जो इतना कॉमन नहीं है जितने अनपढ़ के हैं या मेरा साया या वो कौन थी के हैं, आपकी परछाइयां। उसमें एक रफ़ी साहब का नंबर तो खैर है ही कि यही है तमन्ना, लेकिन उसमें मुझे सब अपने गम दे दो जो गीत है दोस्तों, शरीक ज़िंदगी को शरीक गम नहीं करते, दुखों को क्यों दुखों को बांटकर कम नहीं करते। तो ऐसे दुख हमारे बांटे राजा मेहंदी अली खान साहब ने अपनी शायरी और गीतों के जरिए। ऐसे महान गीतकार को, शायर को आज का सलाम है, वो जहां भी हों खुश रहें। आज इसी बात के साथ अपने इस प्रोग्राम को दोस्तों अब संपन्न करता हूं, लेकिन आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए और क्या जानते हैं आप इस महान गीतकार राजा मेहंदी अली खां के बारे में। अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार, खुदा हाफिज़।